शासन के निर्देश पर सोमवार को रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे कोरोना कर्फ्यू लागू रहा। नाइट कर्फ्यू के दौरान सोमवार को नॉर्मल रोड, पांडेहाता, घंटाघर रोड, रेती चौक, घोष कंपनी, टाउन हॉल, कचहरी चौराहा सहित अन्य चौराहों पर नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सभी दुकानदार और आमजन रात्रि 10 बजे तक अपने अपने घरों तक पहुंच जाएं, इसके बाद बेवजह घूमने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी सोनम कुमार ने लोगों से अपील किया कि कोरोना के संभावित तीसरे वेव को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने साथ अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये रात्रि 10 बजे से नाइट कर्फ्यू है और इसमें सिर्फ आवश्यक वस्तु की दुकानें ही खुली रहेंगी। उसके अतिरिक्त जो भी दुकानें हैं और जो भी व्यक्ति लोग हैं, सब लोग अपने कार्य को समाप्त करके 10 बजे के पहले अपने अपने घरों में चले जाएं। जनता से यही है कि तीसरी लहर की आहट आ रही है धीरे धीरे, इसलिए हम सबको मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। खास करके जो बच्चे हैं उनका खास करके ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि लोग जो है, क्योंकि एक साल के आसपास हो चुका है ये सब देखते हुए, अब आप लोग को इतनी जानकारी है कि कैसे हमें अपनी सुरक्षा करनी इस, और अपनी सुरक्षा करते रहें, अपने बच्चों की भी सुरक्षा करें और घर परिवार में जो भी बड़े बूढ़े उनको भी सुरक्षा करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है।